तो फाइनली फेसबुक पर भी वीडियो आ गई है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि सिर्फ व्हाट्सअप के ही वीडियो लाओगे, फेसबुक के भी लाओ कभी, तो भाई फेसबुक की आ गई है। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसी 8 गलतियां जो आपको कभी भी नहीं करना है अपने फेसबुक पर। तो चलिए वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल EFA। इस वीडियो में वही 8 चीज़ें ना करने के लिए बोलूँगा जो ज़्यादातर लोग करते हैं फेसबुक अकाउंट पर, और उन्हीं की वजह से फेसबुक अकाउंट पर एक बुरा इफेक्ट पड़ता है, एक बुरी इमेज भी बनती है फेसबुक पर। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहली गलती जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है वो ये है, आपने देखा होगा आपके फेसबुक अकाउंट पर ऐसे बहुत सारे ऐप आते हैं, मैजिक आते हैं, जहां पर आपको ये बोला जाता है कि इस पर क्लिक करके जानिए कि अगले जन्म में आप क्या होंगे, इस पर क्लिक करके ये जानिए आपकी शादी किससे होगी। ऐसे बहुत सारे गेम से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, आप उस पर क्लिक करते हैं, अपना फेसबुक अकाउंट लॉग इन करते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आप ऐसा कर देंगे तो आपका फेसबुक अकाउंट जो है वो उन थर्ड पार्टीज़ के पास चला जाता है और वो उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। और दूसरी गलती ये कभी मत करिएगा, फेसबुक अकाउंट पर कभी भी ऐसी गंदी चीज़ें सर्च मत करिएगा, जैसे कि सन्नी लोनी टाइप की ऐसी चीज़ें आप कभी भी सर्च मत करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके फेसबुक अकाउंट मेन पेज पर उसी से ही रिलेटेड चीज़ें जो है ना आपको दिखाई देंगी, और उसी से ही रिलेटेड गंदे गंदे लोग भी आएंगे ऐड फ्रेंड करने के लिए और आपको ऐड भी करेंगे। और इसके अलावा आपका जो फेसबुक सर्च हिस्ट्री है ना, उसमें भी ये सारा रिकॉर्ड आ जाता है कि आपने क्या क्या मतलब सर्च किया है। इन फ्यूचर कभी भी आपका फेसबुक अकाउंट किसी आपकी फैमिली ने यूज़ किया और अगर उन सब लोगों ने ये सारी चीज़ें देख ली, तो आपका इमेज जो है ना मतलब समझ जाओ फिर। और तीसरी गलती आपको नहीं करनी है, वो भी इसी से ही रिलेटेड है। अगर आपके फीडबैक यानी कि आपका जो फेसबुक का मेन पेज है, कभी भी आपको वहाँ पर गंदी पोस्ट दिखाई देती है और आप उस पर क्लिक करके देख लेते हैं या फिर लाइक या फिर कमेंट कर देते हैं, चाहे भले ही आप गंदा कमेंट कर दें, तो वो कमेंट वो लाइक आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड भी देख सकेंगे, जो आपके फ्रेंड लिस्ट में नहीं है वो भी देख लेंगे, अगर आपने प्राइवेसी नहीं लगाई है तो। अगर आपने प्राइवेसी लगाई है तब भी आपके फेसबुक अकाउंट पर एक बुरा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आप किसी भी पोस्ट को एक बार देख लेते हैं तो आपको उसी से ही रिलेटेड पोस्ट दिखाई जाएंगी। और नंबर 4, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, और मैं पहले भी बता चुका हूँ ये बिल्कुल नहीं करनी है, फेसबुक पर प्राइवेट कन्वर्सेशन यानी कि आप किसी से भी बात कर रहे हैं, प्राइवेट चैटिंग कर रहे हैं, फोटोज़ वीडियोज़ का शेयरिंग कर रहे हैं, प्राइवेट चीज़ें, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि फेसबुक पर ऐसी बहुत सी थर्ड पार्टी ऐप हैं, बहुत सारी थर्ड पार्टी कंपनीज़ हैं जहाँ से आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो सकता है, आपकी प्राइवेट चैटिंग जो है ना वो भी लीक हो सकती है, और वैसे भी फेसबुक आपकी चैटिंग, फोटोज़, वीडियोज़ ये सभी कुछ अपने सर्वर पर स्टोर करके रखती है। तो आपको ये गलती कभी भी नहीं करना है फेसबुक पर। नंबर 5, ये भी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, किसी भी ऐसे इंसान को ऐड मत करना जो गंदी गंदी पोस्ट करता हो, ऐसी वैसी पोस्ट करता हो, ना ही उसको ऐसे पेज को लाइक करना है, ना ही किसी ऐसे बंदे को फॉलो करना है, ना ही किसी को ऐड करना है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके पूरे फेसबुक अकाउंट का कचरा हो जाएगा और एक बुरी इमेज क्रिएट हो जाएगी फेसबुक पर। नंबर 6, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, और ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं नादानियों की वजह से, और कुछ लोग अनजान होते हैं, सीधे साधे होते हैं और वो ये गलती कर लेते हैं, वो ये है कि फेसबुक पर किसी भी इंसान पर इतनी जल्दी यकीन ना करें। अगर आप एक लड़की हैं तो फिर आप किसी भी ऐसे लड़के पर यकीन ना करें, कितनी भी मीठी बातें हों, अच्छी बातें हों, बट फेसबुक फेसबुक ही होता है, उसे रियल लाइफ से ना जोड़ें। अगर आप एक लड़के हैं तो कभी भी ये मत सोचिए कि किसी भी लड़की से आप बात कर रहे हैं वो लड़की ही होगी, क्योंकि ऐसे इंटरनेट पर बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिनकी मदद से कोई भी लड़का एक लड़की की आवाज़ में, बिल्कुल सेम लड़की की आवाज़ में आपसे बात कर सकता है और आपको अच्छा खासा उल्लू बनाकर और आपको लूट भी सकता है। तो ये गलतियाँ मत करिए, और इन सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा क्राइम भी होता है। नंबर 7, आपने देखा होगा फेसबुक पर ऐसे बहुत लोग हैं जो पोस्ट करते हैं, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए आपसे कहा जाता है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां भी होती हैं जो बोलती हैं कि इस ऐप को इंस्टॉल करिए, दुनिया भर की चीज़ें और अलग अलग तरह के ऐप इंस्टॉल करवाने के लिए कहा जाता है। तो ये गलती आप कभी भी ना करें, फेसबुक से किसी भी ऐप को इंस्टॉल ना करें, क्या पता आपकी इसी ही गलती की वजह से पूरा फेसबुक अकाउंट हैक हो जाए और उसके साथ साथ आपका पूरा डिवाइस भी हैक हो सकता है। तो आप फेसबुक से किसी भी ऐप को इंस्टॉल ना करें। अगर आप
ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वही ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, अगर प्ले स्टोर पर नहीं है तो आप मत करिए, बट फेसबुक से किसी भी ऐप को इंस्टॉल ना करें। नंबर 8 जो कि लास्ट है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है, वो ये है फेसबुक वीडियो कॉल। अगर आप फेसबुक वीडियो कॉल करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती नहीं, नॉर्मल वीडियो कॉल करते हैं तो गलती नहीं करते, नॉर्मल कर सकते हैं, मज़े कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बट अगर आप यहां से आप चाहते हैं कि अपनी वाइफ या फिर अपनी गर्लफ्रेंड, अपने हस्बैंड या फिर अपने बॉयफ्रेंड से प्राइवेट चैटिंग कर लें तो आपके लिए बिल्कुल सिक्योर नहीं है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ तो अब भी यही बोलूँगा कि फेसबुक पर प्राइवेट वीडियो कॉल ना करें, और अगर आप करते हैं तो ये भी आपकी एक गलती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हो अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।